ये हमारे पास सवाल दिया गया है 4.00 10^5 न्यूटन पर कूलाम परिमाण का एक ऊर्ध्वाधर क्षेत्र 1.00 10^-4 केजी की एक जल की बूंद को गिरने से रोकता है। बूंद पर आवेश का मान ज्ञात कीजिए। हमारे पास ये ऊर्ध्वाधर वैद्युत क्षेत्र ई है। ये जल की एक बूंद है, ड्रॉप है, जो कि इसको गिरने से रोकता है। जो ये ड्रॉप है, बूंद है, इसका भार mg होता है और ये अपने भार के कारण गिर रही, तो ये ना गिरे इसके लिए हम ये चाहते हैं कि जो इस पर नेट फोर्स है वो जीरो हो जाए। तो हमने इसीलिए वैद्युत क्षेत्र जो दिया गया है ऊपर की ओर दिया गया है, तो इस पर जो नेट फोर्स है एफ बराबर mg हो जाएगा। संतरण की अवस्था में जब ये ना गिरे तो एफ बराबर mg हो जाएगा। एफ क्या है? वैद्युत बल, क्योंकि ड्रॉप पर जो वैद्युत बल है वो वैद्युत दिशा में ही लगेगा। तो संतरण की अवस्था में और m दिया गया है आपको 1 × 10^-4 के लिए। ये सारी वैल्यू यहां पुट अप करेंगे, q equals 10^-4, g की वैल्यू पता होती गुरुत्वाकर्षण 9.8, e की वैल्यू दी गई है 4 × 10^5। ये ऊपर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, इसका इसमें डिवाइड करेंगे आ जाएगा 2.45 10^-9 कूलाम। दैट्स योर आंसर।